कक्षा तीन की पुस्तक में पाठ एक जो एक कविता है देश की माटी, उसको पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता एक प्रार्थना की तरह ही है जो कवि ने भगवान से की है। सबसे पहले हमें कविता पढ़नी आनी चाहिए सही हाव भाव के साथ और सही लय के साथ। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको कविता पढ़कर सुनाऊंगी। बार बार अभ्यास करने से आप भी इसी तरह से पढ़ पाओगे। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। एक तो दिन के अभ्यास से आप सभी भी कविता को इसी तरह से पढ़ना सीख जाओगे। और ये कविता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। इस कविता में आए विभिन्न शब्दों का सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहली है तन। तन का मतलब शरीर। बाट, रास्ता। माटी, मिट्टी। विमल, विमल का मतलब बिना मल के, यानी के साफ। विमल, साफ। सरस, स रस, यानी के जिसमें रस भरा हो, रस भरा। जल, जल आप जानते हो पानी। हवा, वायु। सरल, सरल का अर्थ है आसान। घाट, घाट को कहते हैं किनारा, जैसे किसी नदी का किनारा होता है, ठीक। प्रभु, भगवान, ईश्वर, या जिसको भी हम मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कविता के कुछ अभ्यास करते हैं। कवि ने ये कामना किसके लिए की है? क्या कामना की है? सरल बने। जब आप कविता को बार बार पढ़ोगे तो आपको किसी एक पहरे में मिल जाएंगे ये शब्द, सरल बने। अब आप कविता को देखें, कविता में पहले पहरे में क्या है? देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरल बने। क्या बने? सरल। क्या बने? सरल। तो हमें देखना क्या है? सरस बने, सॉरी, सरस बने। यहां लिखा है सरस बने और हमें देखना है सरल बने। अब हम अगला पहरा देखते हैं। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने। क्या बने? सरल। तो किस किस को बनना है सरल? देश के घर, देश के घर, घर के बाद देश के घाट, यानी के घाट, फिर वन, और वन के बाद आएगा बाट। बाट का मतलब मैंने क्या बताया है? रास्ता। उससे अगला प्रश्न है सरस बने। क्या ढूंढ रहे हैं अब हमें? सरस बने। हमने पहले पहरे में ही देखा सरस बने, कौन कौन सरस बने? अब आप आसानी से देख सकते हो, देश की माटी, फिर जल, हवा और फल। फिर है विमल बने। अब एक पहरा बचा है, उसमें हमारे पास है विमल बने। कौन कौन बने विमल? तन, मन, घर, भाई, बहन, देश के तन, मन, घर और भाई
बहन, ये सब तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि जब पेपर होंगे तो कविता तुम्हारे सामने नहीं होगी। ये पहले अभ्यास के लिए कविता में से हमने छांटे हैं, उसके बाद तुम्हें ये याद करनी है। कविता के रचनाकार का नाम लिखे। रचनाकार कौन होता है? कवि जो होता है, जो मैंने बताया। किसने लिखी है ये कविता? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर जी। इस नाम को लिखने का आपको बार बार अभ्यास करना होगा, क्योंकि ये अभी आपके लिए मुश्किल है, इसलिए इसे कम से कम 10 या 12 बार आपको लिख के देखना होगा। ठीक, चलो आज के लिए यही है। धन्यवाद।